मथुरापुर प्रखंड के अबारी गांव स्थित ब्रह्मस्थान परिसर में करीब 2.5 करोड़ की लागत से भव्य राम मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसमें राम दरबार व हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित कर 15 अप्रैल को प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, जिसको लेकर गुरुवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जहां झारखंड से आए एक अलग तरह का बैंड बाजा के साथ इनकी भव्यता देखते ही बन रही थी। हर युवा, बुजुर्ग और बच्चे, महिलाएं अपने हाथ में भगवा झंडा लेकर कलश यात्रा में जय श्री राम के जयकारे के साथ निकले, जो चंद्रभूषण झा के नेतृत्व में महादेव मंदिर परिसर स्थित धौस नदी की पवित्र जल कलश में भरकर पूरे आबारी गांव का परिक्रमा करते हुए पूजा स्थल पहुंचा, जहां पंडितों और आचार्यों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश को निष्ठापूर्वक स्थापित किया गया। पूरा दिन आबारी गांव जय श्री राम के उद्घोष से गुंजयमान होता रहा। राम दरबार में 15 अप्रैल को मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे गांव को सजाया गया है। जगह जगह पर तोरण द्वार बनाए गए हैं, पूरा गांव राममय नजर आ रहा था। वहीं सारघाट थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार, SI हर्षराज, नवीन कुमार दलवल के साथ सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद नजर आए। जानकारी देते हुए पूजा कमेटी के अध्यक्ष भोगेंद्र नाथ झा ने कहा कि नव निर्मित भव्य मंदिर में राम, सीता, लक्ष्मण व हनुमान जी की मूर्ति स्थापना को लेकर आज भव्य कलश यात्रा निकाली गई है। शाम में नगर परिक्रमा भी की जाएगी। 12, 13 व 14 अप्रैल को मूर्ति स्थापना के विविध चरणों को पूर्ण करते हुए 15 अप्रैल को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी किया जाएगा। वहीं रामनवमी के दिन 17 अप्रैल को महाभंडारा का कार्यक्रम रखा गया है। डॉक्टर प्रियदत्त ठाकुर मुख्य आचार्य होंगे। वहीं 21 विद्वान पंडित रामायण गीता पाठ व अन्य धार्मिक कार्य में भाग लेंगे। विदित हो कि इस प्रांगण में 1993 को स्वर्गीय लीला देवी के द्वारा हनुमान जी की स्थापना की गई थी, लेकिन पूजा पाठ व देखरेख की कमी को देखते हुए ग्रामीणों ने इस स्थान पर भव्य मंदिर बनाने की सोची, जिसे ग्रामीण चंद्रभूषण झा के मदद से निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया। आज से 15 अप्रैल तक विभिन्न चरणों में मूर्ति स्थापना व प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य मनीष झा, मुखिया अनिरुद्ध राय, दशरथ झा, आनंद झा, भोगेंद्र नाथ झा, डॉक्टर योगेंद्र नाथ झा, प्रेमचंद्र झा, सतीश झा, विनय झा, पवन झा, मुरारी मिश्र सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। इस कार्यक्रम को लेकर समस्त ग्रामवासी काफी उत्साहित दिख रहे थे। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।